ना वो लॉ नहीं कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है ये, हाँ तो बोलो। ना फ्रेंड्स ये जो है ना ये मेरे से खुल नहीं रहा है सीरियसली, पता नहीं कैसा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। नोनी आएगा ना शाम को भी करेगा, दागर की बस की नहीं है शायद, बिजी नहीं हूँ मैं, दागर खाऊंगी मैं, सो जाऊंगी। तो खा के सो जाएगी, तो मार्केट नहीं चलना मैं शाम को, वो तो शाम को जाना है ना, अभी शाम थोड़ा हो रहा है। नाक में ब्लड आ रहा है नाक से। शाम को क्या, मैं मम्मी को खाना खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स दो बहुत दिनों के बाद आज देखिए कौन आया है घर पे, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, पूरे 2 महीने पंद्रह बाद, हो गई थी, अब 15 मार्च को। दो महीने हाँ बाद 2 महीने हो गए भी पूरे उसको। तो ऐसे देखिए कौन आया है, इतने टाइम बाद आपको ब्लॉग में दिखने वाली है। दागर, दागर से समथिंग। क्या बोलूं, तो देखिए दागर बहुत टाइम के बाद, 2 महीने के बाद दागर आई है। तो ये एक गए महीने के थे लिए, 1 महीने, 1.5 महीने के लिए आई है ना, तो सही 1.5 महीने डेढ़ के लिए आई महीने है। के तो लिए मैं आई इसीलिए है। घर से भी जल्दी इसलिए आ गई थी, दागर आने वाली थी। मैं सोच तो बहुत कुछ करने गई थी मगर मैंने कुछ भी नहीं किया दागर के लिए। केक काट दिया? अच्छा, तो मैंने खाली ना केक बनाया भी नहीं घर पे, बनवाया मैंने बेकरी से। तो वेलकम होम का केक एक बनवाया है दागर के लिए। तो दागर आते ही ना मेरे से गले मिल के इतना रोई, और मेरे को भी रुलाया इसने, बंदरी ने। मेरे को भी रुला दिया वो खड़े खड़े। तब दिनेश ने बोला आते में कौन रोता, बोला दिनेश आएगा आगे कौन रोता है। तो फ्रेंड जब से दागर आई मैंने किचन में घुस के बस खाने में लगी पड़ी है। देखिए मैं इसके लिए कल सब लेके रख दिया था, मैंने नगेट्स दागर को लगा वगैरह। क्या खाऊं क्या खाऊं, अब इसको ऐसा हो रहा है घर में आके कि खाने में, मतलब जब से आई हुई खाने अभी में देखो लगी पड़ी। चिकन किचन का दाल, हाल देखो क्या कर रखा है चिकन इसने, यहाँ पे कबाब, किचन का सत्यानाश कर चिकन रखा है। सलामी, अब ये मैं मैंने ये खाऊं ये तभी मैंने कल खाऊं। ले लिया था, मुझे पता था ना तो आते ही कुछ। पिज्जा मेरे को नहीं खिलाया तुमने? पिज्जा अच्छा, तो ये लोग पिज्जा विज्जा भी लेके आए मैं। तो इस तरह क्या से खाऊं, क्या तो दागर खाऊं, खा खा के सेलिब्रेट कर रही है खुद ही। देखो दागर को चश्मा ना, इसके पावर बढ़ गया इसके चश्मे का, करो। पहले 1.5 था, 2 कितने लैपटॉप में घुस घुस के, 0.5 था, लैपटॉप 1.7 में घुस घुस के आंखों का सत्यानाश। नोनी को बुलाओ तो। ये दागर के लिए ना मैंने केक बनवाया था छोटा सा, घर में बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैंने बाहर से मंगवाया था। तो ये दागर की जल्दी सलामी एंड क्या बोलते हैं इसको, कबाब्स, भिंडी इसकी फेवरेट सब्जी, चपाती एंड देख दागर एंड दही। तो आज बहुत टाइम बाद हम लोग सब साथ में, आमा दागर को मक्खन लगा लगा के रोटी खिला रही है। आज दागर को सब ऐसे खिला रहे जैसे वो कहीं जेल से छूट के आई। दागर उड़ीसा में खाना बिल्कुल नहीं खाया बेटा, दागर को ऐसा लग रहा है क्या खा दूँ क्या खा दूँ, बोल रही है इसको। अब कुछ दिन तक ये खाती रहेगी खाती रहेगी, जाते समय तक थोड़ी मोटी हो जाएगी। कितने दिन तक? कोई वर्क नहीं, 4 तारीख वो सो गया है, नीचे जाके उठाना पड़ेगा उसको, सो जाता थक के उसके बुरे हाल है भगवान। अब कल और परसों, कल कितने दिन, अभी कल 19 21 को है ना, 3 4 लोगों को तो आज हो गया। तो चलिए ये पिज्जा भी रखा हुआ है, तो पिज्जा रहे, तो टेबल ना बड़ा मैसी हो रहा है, सारा कुछ फैला हुआ है टेबल पे। ये काटते बाद में काटेगी, वेलकम बैक होम दागर। दागर काट रही अपना वेलकम बैक होम का केक। टाकू बोले चाकू में तोड़ा, हमको तो टूफल पसंद भी नहीं है, हम तो तेरे को पसंद लगा तब मंगाया मैंने टूफल। ब्लैक फॉरेस्ट पसंद ज्यादा, पहले तो टूफल खाती थी, मैंने टूफल बनवाया दिमाग खराब। वो पहले की बात है। ये देखिए दागर ने केक काट दिया और दागर खा रही है कोई तो आ जाओ खाने के लिए। सबसे पहले नहीं नहीं मैं नहीं खाना, यार कितना मक्खन लगा रहे हो, उन्होंने के लिए लगा। चलो केक भी काट दिया दागर ने, तो चलिए करते हैं फिर। अभी मैं दिखाऊंगी दागर के साथ जो डॉगीज थे ना कैसे, क्या रिएक्ट करा उन्होंने आते ही, मैं नहीं खाना, कैसे उन्होंने रिएक्ट करा तो मैं दिखाती हूँ वो सब ना। अभी हमारा घर ना इतना गंदा हो रहा है क्योंकि काम वाम लगा, दागर का बेडरूम ना तैयार ही नहीं हुआ, दागर नीचे अपने रूम में सो रही है। नोनी कहाँ सोएगी, रूम में हो गया शिफ्ट, सो गया था वही तो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, दिन के बज रहे हैं 2 और मैं कर रही हूँ वीडियो स्टार्ट। और मैं हूँ देखिए घर ही पे आज ना, मैं गई नहीं, और मेरा जो माइक है ना गले में नहीं टंगा हुआ, नीचे रूम पे ही रह गया है। तो मैं हूँ घर ही पे ना, क्योंकि आपको पता ही है जैसे कि मैंने दिखाया ये पहले दागर आ चुकी है। तो अभी पता, आज दिन भर मुझे टाइम लगे दागर का रूम सेट करने के, क्योंकि दागर का जो रूम बना था ना वो पहले से जा रही थी कि नए रूम में शिफ्ट होना था उसको। तो कल तो उसका रूम नहीं कंप्लीट हुआ था, उसका एक्चुअली मैट्रेस नहीं आया था तो नहीं वो किया था शिफ्ट किया, तो नीचे पुराने वाले रूम में ही रही थी। तो आज इसका रूम हो गया है शिफ्ट ऊपर, शिफ्ट क्या वो अभी कार्टन वगैरह नहीं लगे, बाकी सब हो गया तैयार। तो चलिए मैं दिखाती हूँ रूम का ना क्या हाल कर रखा लड़की ने, मैंने अभी अभी सारा कुछ साफ करके नए सिरे से बिछाया, और लड़की ने जो हाल कर रखा, बेड पे जाके कभी नहीं खाते खाना, बुरी बात होती है, बुरा असर पड़ता है सब चीज़ों का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से दागर के रूम का हाल। मैंने इसका रूम साफ किया, इसका बाथरूम साफ किया, मैंने पता नहीं क्या क्या साफ किया। इन्होंने मेरे से कहा था कि ममता को बुला लेना, बट मैंने ममता को नहीं बुलाया, तो जितना हो सका मैंने खुद से साफ किया। तेरे कमरे का ना एक लाइट फ्यूज है ये वाला, तो फिर है ना, तो मैं दिखाती हूँ चलिए आपको बैक कैमरे से क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हाल है दागर के रूम का, ये देखिए ऐसे हाल ना इसने, ये सारा कुछ ना फैला के रखा। ये मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं इसका सारा नीचे से तो सामान है ऊपर मैं शिफ्ट करूँ, और जो इसके ये जो बैग्स पड़े हुए ना यहाँ पे ये मैं खाली करूँ। एक बैग मैंने इसका खाली कर दी जिसमें इसके शूज़ रखे हुए थे, और मैंने इसकी ये कॉस्मेटिक वाली अलमारी है, ये ड्रेसिंग टेबल इसका जो था ये मैंने पूरा देखिए वो कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे अंदर। और ये इसकी अलमारी ना एक पड़ा हुआ है, इसने सिर्फ अपनी कंबल लाई है और बस
ये ला के इसने रख दिया, तो इसके ये शूज़ वगैरह जो थे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका ये जो बैग था मैंने इसमें डाल दिया है, और ये वाला इसमें इसके आई ये क्यों हार्ड रखना, ये इसमें शूज़ है इसके, लाई नहीं ज़्यादा शूज़ उससे वहीं छोड़ के आइए। तो इसकी अलमारी ना भी पूरी खाली है, अभी खुद ना इसने पूरा बैग ऐसी कैसी रखा हुआ पूरा बैग कि मैं साफ करूँ। तो ये अलमारी यहाँ पे इसने अभी कपड़े पूरे टांगने हैं, उसका बाथरूम पूरा मैंने क्लीन किया, अभी इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया, पूरा बाथरूम मैं खुद क्लीन करके बैठी हूँ। हैं दरवाज़ा बंद किया, अभी उठी है लड़की और नाश्ता कर रही है, अभी तो उठी तो काफ़ी देर होगी, मैं बातें ही खत्म नहीं हो रही, इसकी पूरी बातें करी, बातें करी पूरे 2-3 महीने 2.5 महीने की बातें इसने पूरी मुझे सुना दी एक ही दिन में, तो मैं इसकी बातें सुन के बैठी हूँ। और ये देखिए अभी बहुत कुछ नहीं पता मुझे, वो बता देगी धीरे धीरे, सारे राज उगलने वाली है, अभी धीरे धीरे उगलेगी बिना इसके मेरे को बताया, इसका पेट दर्द करेगा और ना। तो ये खा रही है, देखो मैं इसको बोला खाना तैयार हो गया, इसने पुलाव बनवाया मेरे से और अब खुद पता नहीं क्या खाने लगी है। ये क्या है, स्माइली है, कबाब सलामी भिंडी मसाले, अच्छा कबाब सलामी स्माइली एंड भिंडी और चपाती विद मक्खन, और ये हम दोनों की ग्रीन टी पड़ी हुई है उधर, तो ग्रीन टी पीने वाले हैं हम दोनों। तो फ्रेंड्स बताएंगे अगर आप कुछ मेरे व्यूवर्स को, हल्के हल्के सब बताएंगे आप, और अपने इसके बारे में बता दो जरा, पिंकू सा जो है आपका रखा हुआ, ये इसने दागर ने बोला जब इसका मूड बताता भी, तेरा दागर का मूड इतना हैप्पी है, देखो हैप्पी मूड में, हैप्पी नहीं है, हैप्पी नहीं रू कितनी गंदी ये सैड होगी, देखो मूड ये दागर का मूड शो करता है, जब सैड होगी तो ग्रीन हो जाता है, हैप्पी होगी तो पिंक हो जाता है ना। तो ये देखिए दागर पूरा अपना बेड पूरा साफ कर दे रहा, दागर क्या है कॉम वगैरह सब ऐसा पड़ा हुआ यहाँ पे, पूरी बात सैनिटाइजर अंदर डालते थे अलमारी के, यहाँ ड्रॉर में डाल दूँ, नीचे ड्रॉर में रख देती हूँ। ये देखिए दागर ये ना इसने इतनी सारी एक्सेसरीज ली हुई है, जल्दी रख रखी है, दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे क्या क्या ले रखा है इसने, ये पूरी दुकान ले रखी है, स्क्रंचीज इतने सारे ले रखे हैं, ये पता नहीं क्या क्या, ये ऐसे झुमके झुमके पता नहीं कब पहने, यूजुअली मतलब ये पहनती नहीं है ये सब चीज़ें ना। ये देखिए तो सिगरेट भी तेरे कान में पहनने के लिए, ओ माय गॉड मैंने कल देखा था, मैंने कहा है क्या, मैंने टीरिंग सोचा मैंने। तो ये सब देखिए इसने ये सब ले रखे हैं, ये मतलब पहले नहीं लिखे थे, दागर लड़की हो गई है थोड़ी थोड़ी, इनफैक्ट पूरी लड़की हो गई है, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी पैलेट रह गया इसका, उसको भी डालती है उसके टेबल उसके ड्रेसिंग के अंदर। ये देखिए इसका ब्यूटी पैलेट ना, मैंने तेरे इस ब्यूटी पैलेट चेक, एक पैलेट लिया ना यहाँ से नकली, तो घटिया पैलेट है, उसमें कलर्स भी नहीं है, उसमें तो प्यारे प्यारे कलर्स है, इसमें सारे कलर्स हैं, तो मेरे को चाहिए थे ना, मेरे को भी तेरे जाने के बाद मेरा भी दिल किया, जब से मैं एक दो बार तेरा ये पैलेट यूज़ किया ना, मेरा भी दिल किया कि मैं भी यूज़ करूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलरली आई वो शेडोज ना, और वो आर्टिफिशियल है, कहीं मेरी आंखों का ना सत्यानाश हो जाओ, मेरे को इन्फेक्शन हो गया बीच में, आई इन्फेक्शन पता है खतरनाक वाला। अच्छा नहीं दागर पुलाव कौन खाएगा यार, नहीं फिर बचा रहता चावल है, मैं दूंगी तुझे पुलाव दूंगी तुझे, अच्छा रोटी है उसमें। तो फ्रेंड्स आपको मेनली ना मैं ये दिखाना चाह रही थी, ये देखिए मेरे लिए ना इन्होंने ये लाया है आपको गिम्बल, ये असली में गिम्बल है मेरे पास, जो पहले गोरिल्ला पॉट था, मैंने गलती से इनको गोरिल्ला पॉट की जगह गिम्बल बोल दिया, तो इन्होंने गिम्बल ये लाया, अभी मेरे को इसको यूज़ करना सीखना पड़ेगा, पता इसमें ऐप डाउनलोड करके तब होगा, तो अभी मैं दिखाती हूँ उसको अनपैक करके, एक्चुअली मैंने खुद भी नहीं देखा अंदर से। तो फ्रेंड्स ये है मेरा गिम्बल ना, पता नहीं कुछ इस तरह का है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, वाई यू लाफिंग, मैंने सुबह इतना निकाला कि मत खोल तूने अनपैक ऐसे, तो मैंने नहीं करा, तो मैं खोलूँ तो वीडियो भी बनाऊँ, मैं ही खोलूँगी, मैं तू क्या करेगी, खाती रहेगी बस, खाने में लगी पड़ी जब से दिख रही हूँ, तो उसको मैं अनपैक कर रही हूँ, एक हाथ से मैं वीडियो भी बना रही हूँ और अनपैक भी कर रही हूँ, इतनी बुरी हालत है मेरी, मेरा ट्राईपॉड भी टूटा हुआ है, गोरिल्ला पॉट भी टूटा हुआ है, और क्या कहते हैं उसको कर देती हूँ यार, इतना स्टाइल से मैं निकाल नहीं पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है मुझे, तो मैं इसको इस तरह से अनपैक कर रही हूँ। मेरे को रेड चूड़ी पहनने का मन किया तो मैंने पहन ली, मेरे हाथ में तो गंदे हो रहे, माय गॉड मेरे को रेड चूड़ी पहनने का मन किया, तो कब से रखे हुए थे, चार थे ना, मैंने दो ममता को दिए थे, ममता पार्लर वाली, पहले जब यहाँ आई नहीं थे हमारे घर में, एक बार कुछ करने आई, तब मैंने उसको दे दो, ये दो कब से पड़े थे, कब से पड़े थे, मैं क्या करूँ क्या इसका मैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह का कुछ है, पता नहीं क्या है ये, खोल दो हाँ साफ कर, पहले मैं खोल दूँ, हाँ टेबल लैम्प भी लेना है ना, साइड टेबल लैम्प, तो ये है, तो इसको पता नहीं कैसे कैसे बड़ा उसका तो कनेक्ट करने का बड़ा लोचा है यार, पता नहीं मेरे को ना पसंद नहीं है इस चीज़, मैंने इनको बोला भी था मुझे ऐसी सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं चाहिए, मैंने कल ही बोला था ना, मैंने बोला ना आप कल मुझे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मत लाया करो, मुझे जो नॉर्मल सिंपल चीज़ें होती हैं ना जो यूज़ करने में ईजी होती है वो चीज़ें लाना, तो मैं आज शॉप भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं आज घर में ही काम पर लगी रहेगी, थकी और बेचारे वो भी ना उनका सामान आ गया, एक पेटी आ गया उनका सामान ना,
ताऊ मुझे बोला था गए तो रहने मत आना, देखिए तो ये इस टाइप का, इसको कैसे यूज़ करूँ मैं ये पकवान, क्या बवाल है ये। मुझे तो पहले तो खोलना ही, यूज तो तब करूँगी पहले खोलना है ऐसे ऐसे। ओ माय गॉड, ओ तोड़ेगी तू, वैसे हम चीज़ें तोड़ने में एक्सपर्ट है मुझे ना सच में, पता नहीं कितना मैंने बोला था यार छोटा सा चीज़ आता है वो सस्ता सा वो ले आते, पता नहीं क्या उठा लाए हैं भगवान। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ है ये गिम्बल, मैंने उनको गिम्बल बोलो कि उसको गिम्बल नहीं बोलते गोरे, मैंने कहा उसको गोरिल्ला पॉटी बोलते, कहते तूने गिम्बल बोला था तो मैं गिम्बल लेके आया हूँ। और अच्छा दागा ये इस तरह से भी है इसका कुछ सीन, स्टैंड भी है देखिए इसमें ना इस तरह से इसको। हाँ चलो थोड़ा बहुत तो मैं जैसे कुकिंग वुकिंग करते समय थोड़ा बहुत तो शूट कर ही दूँगी इससे। बाप रे मेरे को तो डर ही लगता, मेरे हाथों में ना ये चीज़ें बहुत ही टूट रही है, यूट्यूब चैनल तो मेरा चल नहीं रहा है और ये गिम्बल विम्बल जो ऑलरेडी टूट जा रहे हैं उल्टा। तो इस तरह से कुछ लाए हुए हैं ये, रुको मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, कुछ लंबा होने वाला है ये भी ना। तो फ्रेंड्स मेरा जो है गिम्बल गिम्बल में हो गया मेरा फोन फिट, जिससे कि मैं बना रही हूँ वीडियो। तो इस तरह से मुश्किल से खुला है, कहाँ पे पावर और ऑन ऑफ करने का तो मुझे समझ में आ गया, बट इसमें ना जो मेरा जो गिम्बल है ना इसमें पता नहीं क्या क्या यार इसका बड़ा भारी मेल्टीज बहुत है। एक ही तरफ घुमा मेरे से दूसरी इसे ऊपर भी जाएगा कि पूरा सीधा भी होगा, पूरा सीधा होगा नहीं तो कहाँ होगा, टूटेगा पूरा फोटो में देखो। अच्छा ये ऐसे करके नहीं ऐसे खींचा ऐसे ले रहा फोटो में जैसे भी है। हाँ अब आके 19 से होगा तो रावण ही करना है, हमसे नहीं होने वाला। तो बैठे हुए आज मैं घर पर ही बैठी हूँ, देखो दादा के रूम में, इसलिए अभी तक एक भी कपड़ा सेट नहीं किया अपना, सारे के सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए जो मैंने जितना थोड़ा सेट करके दिया था बस वही है। अब सेट करेंगे नहीं, महीना इसको जाते जाते तक ऐसे आएगा, फिर जाते तक सब कपड़े उठाने पड़ेंगे, फिर तो फिर बस अलग अलग में डालने के कपड़े, फिर रख दे बैग में, बैग से निकाल दे जा बस। हाँ यार तो फ्रेंड्स ना थोड़ी देर हम लोग सो जाते हैं। अच्छा तो मेरे को भी थकाई सी लगी है, ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, अच्छा अच्छा किट बैग जैसे टाइप का। चलिए तो सोते हैं थोड़ी देर, मेरा मुंह देखो सूजा हुआ ही है, मेरे हाथ ना ऐसे हो रखे सूज के ना कट के ना फट के ना, जब हालत हुई है मेरे हाथों की। दादा भाई लाल लाल चूड़ियाँ क्यों पहनी है, मैंने मुझे दिल किया लाल लाल चूड़ियाँ पहनने का, इतनी लाल इतनी ब्राइट चूड़ियाँ क्यों पहनी गई जाती है। मैं सच्ची मेरे पास चार थी ना, मैंने दो किसी को दे दी थी, दो बची तो मैंने उठा के पहनी ऐसी वाली, ये नहीं है वो लाल रंग की मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, चूड़ा वाली चूड़ियाँ हैं, चूड़ा वाली मुँह देखो ना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग फिर से निकल पड़े हैं बाजार की ओर, ये देखिए दागर हो रही है तैयार। तो दागर आई है ना, मतलब घर में बैठना नहीं बनता जब तक दागर फ्री है, कि कुछ दिनों बाद दागर होने वाली है। जीते को जो लिया ना कौन, यही हूँ कौन सा कौन लिया जो ये वाला ब्रश लिया था, ये ब्रश दोबारा लिया था के पास से, नहीं वहीं पर भी तो लिया था, नहीं लिया था नहीं लिया था। तो दादा रोरी रेडी, दादा की रूम की ना पर्दे नहीं मिले, पर्दे लगाने रह गए बाकी तो आज रात को प्लीज कर्टन्स लगाने हैं। देखो इसकी अलमारी की ऐसी सेटिंग करी हुई है, सड़ी गली सी सेटिंग, इसने क्या किया समर क्लॉथ्स विंटर क्लॉथ्स एक भी लाई नहीं, नीचे से नीचे वाले रूम में ही समर क्लॉथ्स लाए, थोड़े से उस पर हैंगर्स नहीं है। ये क्या चीज है, ये कौन सा गाउन है, ये जो हम सब लड़कियों ने सेम ड्रेस लिया था पूरी। अच्छा यहाँ तो मेरे लिए ले आती ना वहां से गाउन, कितनी गंदी है ठीक है। अच्छा परफ्यूम, तो फ्रेंड्स मेरे ना फेस पे हुई है देखिए एलर्जी, फेस पे हाथ पे सब जगह एलर्जी, मेरे ये पूरा फेस में जल रहा है यहाँ से। तो मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ मार्केट, तो दागर ने बोला चलो घुमाते हैं थोड़ा सा दागर बहुत ढाई महीने से घूमी नहीं है, दो ढाई महीने से नैनीताल नहीं घूमी और ये फालतू बैठी है, इसके पास कुछ भी काम नहीं यार। सनी ने सची इलेक्ट्रिसिटी का एक भी फिटिंग अच्छा नहीं करा हुआ है, तो यहाँ मैंने साफ तो किया था लेकिन इसके बाद धूल मिट्टी रह गई है थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं, तो मेरा ये जो है ना पॉट जो था क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते बोला इसको दागर गिम्बल, ये भी नोनी आएगा ना, नोनी को भी टाइम नहीं होगा, वो बताएगा या फिर उसको बताएंगे कैसे लगना है, मेरे को तो आ नहीं रहा इसको करना, मोबाइल तो अटक जा रहा है मगर मैं जो ब्लूटूथ है और सब जो भी लगाना था ये वाला फैन ठीक है, लाइट वेटी लग रहा है और थोड़ा हैवी सा लगता है प्लास्टिक टाइप, मेरे को ना चश्मे में कैंडी वाली फीलिंग आ रही है दिखा था। तो दागर पे ना पावर बढ़ गया चश्मे का, तो चश्मे लग गए तो कल दो बना के आ गए चश्मे, चल आ जा फटाफट चल।